दो भाई यहाँ से भिड़ गई, ये टूट गया। भाई हमारे साथ सीन पे सीन होता रहता है। लो बुआ क्या कर सकते, चलो कुछ नहीं होता, अब रायपुर में बनवाएंगे। निकलेगा नहीं क्या ये कार की जगह ले सकती है कि नहीं? कार की जगह 70% ले सकती है। और डेली पर्पस, जो डेली पर्पस के लिए तो भाई बेस्ट है, लेकिन लंबे टूर के लिए अगर आप कोई मतलब लेडीज है उसके लिए तो भाई हैंडलिंग करना मुश्किल है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसको हैंडल करना बच्चों का काम नहीं है। और भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बाल बाल बचे हैं भाई, वो मर जाता ना तो सिस्टम तो ख़राब ही जाता। उसी की गलती थी, दारू पी के चला रहा था। ये देख लो पूरा फेंडर टूट गया, ये पूरी पीपीएस। सो गाइस आज हम लोग इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेने वाले हमारी न्यू थार का, और हम जा रहे हैं रायपुर यहाँ से कुछ 500 किलोमीटर दूर। तो मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो गाइस दिस इज मी राहुल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लाल सिंह व्लॉग। सो गाइस स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। नई दिन की शुरुआत हो गई भाई अपने भाई के घर के नीचे से। और भाई एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई आपको, भाई देखो ये पूरी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है और बस तैयारी हो रही निकलने की। अभी हम मैं जा रहा हूँ गौरीघाट दर्शन करने, सो सीधा मिलते हैं गौरीघाट। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गौरीघाट, और बिना माई के दर्शन करके हम ट्रिप पे कैसे जा सकते हैं। मैं जब भी जाता हूँ ना गाइस ट्रिप पे तो मैं अपने माई के दर्शन जरूर करने आता हूँ यहाँ पे। भाई और सामने आप जो देख रहे हो ना वो है गुरुद्वारा। सो गाइस हम लोग फाइनली गौरीघाट से निकल गए हैं और हमने माई के दर्शन भी कर लिए, और हमने मांगा है कि हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। और कौन कौन जा रहा है गाइस इस वीडियो में आपको पता चली जाएगा। और भाई इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपको मैं बताऊंगा। ये 4x2 है, मैनुअल गाड़ी है भाई, और क्या एवरेज निकाल के देती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस A to Z चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाऊँगा नहीं। हमें जाना है गाइस जबलपुर टू रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ से कुछ 450 something होगा, मतलब 500 किलोमीटर आप मान के चलो। सो भाई सबसे मिलवाते हैं कौन कौन जा रहा है। भाई एक फॉर्चुनर जा रही है और एक हमारी थार जा रही है, और एक गाड़ी और जा रही है शायद डस्टर जा रही है। सो वीडियो में आपको पता चली जाएगा, सो स्टे ट्यून, बहुत प्यारी वीडियो बनने वाली है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई एक ही वाली कार जा रही है, एक थार और एक पीछे। हम सब रेडी हो गए अभी राज के घर में, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बताऊंगा, और रायपुर भी जा रहे हैं हम लोग। भाई राज की गाड़ी स्टार्ट हो गई, और भाई चलो अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। दोस्तों मैं इसको अभी 138 किलोमीटर चला चुका हूँ, जबलपुर से रायपुर के रास्ते में हैं अभी हम लोग। और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता दूँ, देखो गाइस ये थार 1.4 है, मतलब समझो 1400 या 1500 सीसी की गाड़ी है, और इसमें थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो देखो थार है मिलेगा ही, इसकी स्टेयरिंग थोड़ी हिलती है, बाकी आप 100 चलाओ 120 चलाओ आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बस जब चलाते हैं ना गाइस तो इसकी स्टेयरिंग ऐसी ऐसी बस हिलती है थोड़ी, बाकी गाड़ी बहुत प्यारी है और आपको ये डेफिनेटली लेनी चाहिए। और भाई ये जो 15-16 लाख में दे रही है ना महिंद्रा, वो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। मैं भी सोच रहा था लेने का यही वाली गाइस, लेकिन ये क्या है मैनुअल में आती है और अपन को चाहिए थी ऑटोमेटिक, बट ऑटोमेटिक आ रही है पेट्रोल में, और पेट्रोल के एवरेज मेरे हिसाब से उसमें 8-9 का एवरेज है। और ये गाइस ये है डीजल, डीजल इतना प्यारा एवरेज देती है ना भाई, अभी कम से कम ये दे रही होगी 16-17 का एवरेज भाई, अभी देखो ये 14 का दे रही है बिकॉज मैं बहुत तेज चला रहा था। कहाँ गया देखो 14.1 का कुछ किलोमीटर, 14.1 का एवरेज दे रही है, बहुत अच्छा एवरेज है इसका। और अभी जब आप 80 की स्पीड में चलाओगे ना, कंटिन्यू 80 की स्पीड में चलाओगे आप, आपको डेफिनेटली भाई 17 से 18 का एवरेज देखने को मिलेगा। और ये वाली गाड़ी बहुत प्यारी है, आप इसमें जितना पैसा लगा सकते हो ना भाई लगा दो, इसमें कम से कम अभी 2-3 लाख रुपए लगा है भाई,
पूरी इसमें बूफर वूफर ये चेंज करा है, साउंड, ग्रैब हैंडल, लाइटें वाइटें, मतलब पूरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। कंटिन्यू मैं 110 120 चला ही रहा हूं और भाई बहुत प्यारी गाड़ी, आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, कंपैरिजन बता देता हूं मैं तीन गाड़ियों का, एक स्कॉर्पियो क्लासिक, एक ये, और आती है जो महिंद्रा की 2200 सीसी की 4x4, ये 4x2 है, इसमें बॉडी रोल बहुत कम कर दिया है। और जो स्कॉर्पियो है, जो स्कॉर्पियो है ना भाई गाइस, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसका बॉडी रोल इतना ज़्यादा है, इतनी गंदी गाड़ी है भाई, मुझे ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी, बहुत प्यारी है। अभी मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बता चुका हूँ, अभी बस मैं चला चुका हूँ इसको 130 कुछ किलोमीटर्स और अभी 220 किलोमीटर और बचा रायपुर का, सो पूरा है मैं आपको बताऊँगा। और हम क्यों जा रहे हैं रायपुर वो आपको व्लॉग के एंड में पता चल ही जाएगा गाइस, तो स्टे ट्यून और वीडियो में बने रहना भाई। हाँ जी गाइस, ये अभी हम हैं शिल्पी घाटी में और पूरी घाटियाँ हैं, पूरा टर्निंग 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 रोड्स है और उसी का रिव्यू ले रहा है आपका ये यूट्यूबर राहुल सिंह व्लॉग्स। इसके बारे में बताएंगे, राहुल जी बताएं आप क्या बोलेंगे, थार चला रहे हैं इस ऐसी मोड़ों पे और इन पे कॉर्नरिंग पे, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको चला के, बहुत प्यारा। अच्छा, अभी तक मतलब इतना लंबा सफर जो 200 किलोमीटर टोटल मैंने चलाई है अभी इसको, हाँ बहुत प्यारी कंट्रोलिंग है, बस थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं, बस जैसे अपन जैसे क्रॉल कर रहे हैं ऊपर तरफ तो उसमें पावर नहीं आता, ये 1500 सीसी की और जो 2200 सीसी की है उसमें पावर है, लेकिन फिर भी ठीक है, थार है, बहुत प्यारी गाड़ी है, थार है। और एक उस बजट पॉइंट में, मतलब जिस बजट पॉइंट पे मेरे हिसाब से अभी ब्रेजा नेक्सॉन मिलती है उस पे एक ऐसी गाड़ी, उससे लाख गुना अच्छी है, मतलब एक मेरे हिसाब से अगर मैं मेरे को ऐसा लगता है कि एक हैरियर वाला बंदा चाहे तो ये आराम से ले, तो ये ले सकता है, मतलब उस लेवल की ये गाड़ी है हैरियर एक्सयूवी वगैरह, अगर आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है तो सेकेंडरी गाड़ी है, सेकेंडरी गाड़ी, क्योंकि गाइस आप देख रखते ही हैं पूरा सामान हम लोग कैसा भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी है। ये देखिए आप पूरा घाट सेक्शन का क्या है कि बाकी लोग रिव्यू आपने बहुत देखे होंगे कार के कि कैसा क्या है गाड़ी का एवरेज और ये वो, अपन उसमें नहीं जाएंगे, अपन जा रहे मेन जो आप, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ कोई एवरेज देख के तो नहीं लेता, बिल्कुल नहीं, कि एवरेज देख रहा हो या वगैरह, एवरेज तो भी उसका अच्छा है मेरे हिसाब से, अभी अगर हम देखें तो इसका एवरेज देखते हैं, ये देखिए गाइस 80 कॉर्नरिंग स्पीड ऊपर नीचे करने के बाद भी 14 तो दिखा रही है, वो भी अभी कम हो गया और बड़ा हुआ था। ये एक और हमारी कॉन्वॉय की एक और गाड़ी जा रही है, यशराज खत्री जी, हाँ ये कह रहे थे कि एवरेज देख के तो कोई नहीं लेता, तो उस टॉपिक पे ना हमको जाना है ना हम उसमें कह रहे हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है बनाने का और आपको ये दिखाने का कि गाड़ी की कॉर्नरिंग जो एक आदमी का सोचना है ना कि जीप है अनकंफर्टेबल या इसकी हैंडलिंग कैसी है, एक मतलब ऐसा थार एक कार हो सकती है कि नहीं, कि जीप ही है ये अभी पुरानी, तो नहीं गाइस अब मेरे हिसाब से तो बहुत चेंजेस की, बहुत चेंजेस है, अब एक ये कार की जगह ले सकती है कि नहीं, ये कार की जगह 70% ले सकती है और डेली पर्पस, जो डेली पर्पस के लिए तो भाई बेस्ट है, लेकिन लंबे टूर के लिए अगर आप कोई मतलब लेडीज है उसके लिए तो भाई हैंडलिंग करना मुश्किल है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसको हैंडल करना बच्चों का काम नहीं है, वो भी वहां गाइस तब तक मतलब एक थोड़ा ड्रॉबैक का ये है कि जैसे अब हालांकि पर एक ये भी है ना कि अब जैसे वो तो 150-140 में जा रही है फॉर्च्यूनर, तो वो बट एक बात ये भी अपन सोचे अगर मेरे को जो समझ आया कि भाई वो 50-55 लाख की गाड़ी है और ये 15-16 लाख की है टॉप मॉडल और ऊपर टॉप मॉडल और उसके ऊपर 4x4 में जाओगे तो 18-19 लाख की, मतलब उसके हाफ से भी हाफ, उसमें अगर इतना कुछ दे रही है उसके जैसा, मतलब हाइट प्रेजेंस, अच्छा हाँ प्रेजेंस की एक बात बोलूँ बॉस, कुछ भी बोल लो जितना मैं देखा हूँ चाहे फॉर्च्यूनर खड़ी हो चाहे कोई हेड टर्नर, तो यही गाड़ी थार है, आर्मी इसी के बारे में पूछेगा इसी के लिए देखेगा, क्योंकि अब
इसका पता नहीं है कुछ ऐसा प्रेजेंस मुझे लगता है। इसका तोड़ा गाइस अलग लेवल चला गया, अलग लेवल। मतलब लड़कियां इसको दो बार देख लेंगे, उसको एक भी बार ना देखेंगे। ये ऐसा वो थोड़ा सा पॉलिटिशियन उस टाइप में हो गई, ये थोड़ी सी लोंडाई हो गई। हाँ यूथ गाड़ी है, आप मतलब ले लो कहीं भी चले जाओ, मतलब एक सोचना नहीं पड़ता। और मेरे हिसाब से इंडिया में एक सेगमेंट जो है वो सेडान, वो मेरे को तो लगता है बेकार है, बैन कर देना चाहिए। कोई सेंस नहीं है उसका, नथिंग मतलब कोई यूज नहीं है, क्योंकि इंडिया में भाई वैसी है ही नहीं रोडे और बहुत चीजें। और ये ऐसा है कि आपको एक वो कंफर्ट प्लस आपको एक ना कॉन्फिडेंस देती है कि आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घुसेर दो। क्योंकि जस्ट अभी हमारा एक इंसिडेंट छोटा सा हुआ था, ध्यान नहीं दिया हमने, और यही आपके ब्लॉगर जी हैं राहुल सिंघारन चला रहे थे, हालांकि उनकी भी गलती नहीं, वो थोड़ी धूप सामने थे और रोड ऐसी एकदम से था कि गाड़ी में आप माने कि गाड़ी की अभी हाइट अगर हम लोग दिखाएं तो उसके सिर से आप देखो कितनी ऊपर छत है, उसके बाद भी हम लोग वहां तक गए हैं, लेकिन गाड़ी का फिर भी सस्पेंशन और शॉकअप और हैंडलिंग इधर उधर नहीं हुई गाड़ी, और मे बी आराम से हम लोग 120 130 के नीचे नहीं आए, 100 and 130 हम लोग आराम से चलाते हुए आ रहे, और ऐसा लगा नहीं कि हम एक जीप चला रहे हैं, हमको लगा हम ऐसा कार ही चला रहे हैं। हम क्रूज कर ही रहे हैं 120 130, बस एक घाट है तो हम घाट सेक्शन है, पर मेन पर्पज भी नहीं घाट लाने का। देखो गाइस व्यूज चेक करो, एक नंबर क्या होता है कि एक आपको यूट्यूब पे ना मेरे हिसाब से सर्च करने पर थार की मॉडिफिकेशन एवरेज गाड़ी का स्पेसिफिकेशन ये सब मिल जाएगा, पर मेन जो होता है जो आदमी गाड़ी लेके करता है ये चीज, ये देखिए ऐसे टर्न्स, उसका चलाने की प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीजें, तो वो दिखाना मेन पर्पस था। भाई ये गन्ना तो चोरी कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं, एक और दूसरे का करने के चक्कर में कोशिश करते हैं। भाई हम लोग का सिस्टम क्या है, बहुत निराला है यार, ओपी गाइस अपने को क्या कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाता है। लो भाई यहाँ से भिड़ गई, ये टूट गया, ये खाया था क्या, मेरा है अंदर ही क्या लड़ी घोसा कहाँ पर रो करो भारी नुकसान पर रो करो घोसा का भाई हमारे साथ सीन पे सीन होता रहता है। लो बुआ क्या कर सकते, चलो कुछ नहीं होता, अब रायपुर में बनवाएंगे, निकलेगा नहीं कहीं। लो भाई हमारा सिस्टम हैंग हो गया भाई, क्या करे, कंटेंट मिल जाता है यार, तो बाइक वाला हमें ठोक के चला गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया भाई, 1.5 लाख का लॉस हो जाएगा कम से कम। भाई ये तीनों हमारी गाड़ी लगी है, और भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बाल बाल बचे हैं भाई, अगर वो मर जाता ना तो सिस्टम तो ख़राब ही जाता, उसकी गलती थी, दारू पी के चला रहा था। ये देख लो पूरा फेंडर टूट गया है, ये पूरी PVS पूरी भाई ने ख़राब कर दिया। और भाई हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए थे, चेंज वेंज कर लिया, और रूम टूर कराता हूँ मैं आपको अभी। चलो भाई रूम टूर करा देता हूँ मैं आपको। भाई ये कबड वबड है भाई, लॉक है ये, और ये भाई पूरा सामान बिखरा हुआ है, और ये वॉशरूम है, और ये भाई लोग सब रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल पार्टी की तैयारी हो रही है, और हम लोग हो ये गाइस तो हो गए होंगे। तो भाई हम भी रेडी हो चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे वो आपको थोड़ी देर में मैं कार में चल के बताऊँगा, स्टे ट्यून्ड। क्या लग रहा हूँ यार साइड से देखो, मतलब क्या सेक्सी लोग आ रहे हैं यार। सो गाइस हमारा मोटिव था रायपुर में, हमारे कज़न भाई की शादी थी, और बस वही अटेंड करने आए हैं, 3-4 फंक्शन है, कल भी फंक्शन है सुबह से लेकर रात तक, वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा,
और अभी देखो फंक्शन चल रहा है, कुछ जागो वागो बोलते हैं गाइस पंजाबी में। भाई तेरे को पता है पूरा क्या सीन होता है? हाँ बता जरा। उसमें क्या होता है, घड़ा टाइप का होता है, हाँ। जा रहा है लाइटिंग वाला, उसमें दिया रखते हैं, वो फिर एक दूसरे के ऊपर सर में रखते हुए गुरुद्वारे जाते हैं। तो गाइस ये पूरा सीन है, और अभी ये करके कुछ खाना पीना खा के फिर हम अपने होटल निकल जाएंगे, फिर रात को वीडियो को एंड कर देंगे, फिर दूसरी वीडियो हम कल सुबह फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई ऐसा होता, जागो, ये देख रहे हो जो भाई, ये हमारे कल्चर में होता पंजाबियों में सिस्टम के साथ। सो गाइस अगर आप भीड़ में ऐसे जो काफले में चल रहे हो ना, तो भाई ऐसे अपनी फॉर्च्यूनर को पीछे करना और ऐसे करके लेड़े आना भाई, बिल्कुल क्या है सिस्टम है अपना भाई, बिल्कुल ऐसे आराम से सो। ये देखो 11 बज नहीं रहे हैं और भाई सो रहा है वहाँ पे, भाई अलग ही चल रहा है भाई, मतलब 3-4 बजे का सिस्टम चलेगा, और फिर कल सुबह एक फंक्शन हो रहा है, शाम तक चलेगा भाई, 2-3 फंक्शन है, वो अब मैं वीडियो के एंड में आपको होटल में पहुँच के बताऊँगा। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए दूसरे रूम में, और कल रात को व्लॉग करना मैं एंड भूल ही गया था, और ये हमारा नया रूम है, और ये हमारी लुगाई सो रही है, मतलब भाई सो रहा है, और रूम टूर मैं आपको करा देता हूँ भाई। ये दोनों बेड हैं, बाथरूम है, और ये सब कुछ दिख रहा है भाई, और जस्ट ये बालकनी है, और जस्ट नीचे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में। आज है गाइस हल्दी और कॉकटेल, तो अभी मैं रेडी होता हूँ, फिर मिलता हूँ दूसरे व्लॉग में। तो मिलते दूसरे व्लॉग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, मिलते हैं भाई दूसरे व्लॉग में। एक भाई तो अभी अंदर वॉशरूम में हग रहे हैं, सो मिलते हैं, बाय 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 बाय।